साथियों, हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रेहड़ी पटरी वालों की, ठेले वालों की सूद नहीं ली। इनमें से ज्यादातर लोग गांवों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं। हर रेहड़ी पटरी और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती है, इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई, बिना गारंटी के उन्हें ऋण दिया। छत्तीसगढ़ में इसके भी 60,000 से ज्यादा लाभार्थी है। गांवों में मनरेगा के तहत भी पर्याप्त रोजगार मिले, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार ने दिए। भारत सरकार का ये पैसा गांवों में श्रमिकों की जेब में पहुंचा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है, यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है, इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।